पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने पूर्वी चंपारण के बहारपुर प्रखंड स्थित हाई स्कूल प्रांगण में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में नेताओं को कुछ भी बोलने की आदत है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने 10 लाख लोगों को पहले सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी और इतने लोगों को एक साल में सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। लेकिन जो नीतीश कुमार जी हैं, जो 15 साल 16 साल से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि ये आदमी जो 16 साल से मुख्यमंत्री है वो अचानक से 15 अगस्त को कहते हैं कि मैं 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दूंगा। तो मैं आश्चर्यचकित हूं कि अगर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है या दी जा सकती थी तो आपने पहले क्यों नहीं दे दिया, इतने दिन से क्यों रुके हुए थे। लेकिन मान लीजिए कि नीतीश जी को अब सपना आया है या अब ज्ञान हुआ है कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है, तो मैंने अगले दिन घोषणा की है कि अगर नीतीश कुमार आने वाले एक साल में 15 अगस्त से अगले 15 अगस्त तक 10 लाख सरकारी लोगों को नौकरी दे दें तो उनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे और उनका फिर से प्रचार करेंगे। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के सुपौल पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यालय में महागठबंधन के तमाम नेताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यालय वे बैठक करने पहुंचे। साथ ही उन्होंने बताया कि और कहा कि 2024 में केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। कार्यकर्ताओं का मनोबल आया, आज महागठबंधन की सरकार बनी और महागठबंधन से मिलकर के मुख्यमंत्री का जिम्मेवारी मिली। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है, अगर मैं किसी जिले में जाऊं तो अपने महागठबंधन के साथियों के साथ मिलूं और आगे हम अपनों को पता है कि 2024 की चुनाव आने वाली, 25 की चुनाव है, 2024 की तैयारियाँ चल रही है और जिस तरह से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है निश्चित तौर पर लग रहा है कि 2024 में केंद्र में भी महागठबंधन की सरकार आए। इसके तैयारी और समीक्षा के बारे में भी जानकारी मिलती है और अपने कार्यकर्ताओं से मिलने से उनमें उत्साह बढ़ता है। दरभंगा में नेता नजरे आलम ने AIMIM पार्टी ज्वाइन कर दी, जिसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि जब पत्रकार ही यहां सुरक्षित नहीं है तो सुशासन पूरी तरह से फर्जी और विफल है। देखिए, दरभंगा प्रशासन पे हमेशा प्रश्न चिन्ह लगता रहा, खास करके पुलिसिया सिस्टम